सीबीआई में चल रहे विवाद को सरकार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कैबिनेट मीटिंग के बाद जेटली ने कहा सरकार इस विवाद की जांच नहीं करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सीबीआई विवाद की निष्पक्ष जांच स्वतंत्र एसआईटी करेगी, सीवीसी इसकी निगरानी करेगी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा विवाद की जांच होने तक सीबीआई के दोनों अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना छुट्टी पर रहेंगे। सीबीआई के संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर बनाए गए। ए नागेश्वर राव ओडिशा कैडर के आईपीएस हैं, इन्होंने 2015 में सीबीआई ज्वाइन की थी। पीएमओ के आदेश पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा गया। सीबीआई में जारी वर्चस्व की लड़ाई के चलते दो और आईपीएस अफसर एके शर्मा और मनीष सिन्हा भी हटाए गए। सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए जाने के बाद ए नागेश्वर राव ने की अफसरों के साथ बड़ी बैठक, मौजूदा संकट पर चर्चा। घूसखोरी के आरोप के बाद आज भी सीबीआई ने अपने ही मुख्यालय में की छापेमारी। सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर ए नागेश्वर राव की टीम ने छापा मारकर कई कागजात जब्त किए हैं। सीबीआई में थोक भर ट्रांसफर, अस्थाना घूसकांड केस की जांच कर रहे एसपी डीएसपी समेत कई अफसरों का ट्रांसफर। सीबीआई में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सतीश डागर की अगुवाई में नई टीम बनी, आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर लगाया है घूस का आरोप। चंडीगढ़ में तैनात सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ए साई मनोहर को मुख्यालय लाया गया है, जबकि अमित कुमार को मुख्यालय में एडिशनल चार्ज दिया गया है। जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, परसों होगी सुनवाई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई में मचे बवाल को राफेल विमान सौदे से जोड़ा, कहा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा। सीबीआई संकट पर सरकार पर बरसा विपक्ष, केजरीवाल ने पूछा किस हक से सरकार ने डायरेक्टर को हटाया। सीबीआई विवाद को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर वार, रणदीप सुरजेवाला बोले मोदी शाह की जोड़ी ने सीबीआई को कहीं का ना छोड़ा। सीबीआई विवाद पर कांग्रेस ने कहा पीएम को राफेलोफोबिया, राफेल घोटाले की पोल खुलने से डरकर मोदी शाह ने केंद्र में भी गुजरात मॉडल थोपा। सीबीआई के झगड़े में विपक्ष के आरोपों को सरकार ने बकवास बताया, जेटली ने पूछा क्या विपक्ष को पता है सीबीआई में क्या चल रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आलोक वर्मा को ईमानदार बताते हुए उनका बचाव किया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में एनकाउंटर खत्म, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। दो आतंकियों के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर के नौगांव में पसरा तनाव, शुरू हुई पत्थरबाजी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ और केजी सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। गुजरात के कच्छ में समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे 5 पाकिस्तानियों को बीएसएफ ने पकड़ा। कच्छ में पकड़े गए 5 घुसपैठिए पाकिस्तान के सिंध के रहने वाले हैं। अमृतसर में रामलीला का आयोजक सौरभ मदान हादसे के बाद पहली बार एबीपी न्यूज पर बोला, कहा लोगों के डर से भागा था। बातचीत में सौरभ मदान ने यह भी बताया कि वो फिलहाल अमृतसर में ही है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि रेलवे की लापरवाही के चलते अमृतसर रेल हादसा हुआ। अमृतसर हादसे से सबक लेते हुए जोधपुर में मारवाड़ समारोह स्थल के पास रेलवे ट्रैक के दोनों ओर प्रशासन ने बैरिकेड लगवाए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के संतरागाछी स्टेशन पर भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत, 17 से ज्यादा घायल। हावड़ा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक साथ 3 ट्रेन आने की वजह से भगदड़ मच गई थी। हावड़ा स्टेशन पहुंची ममता बनर्जी ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। हावड़ा में हुए हादसे में मरने वालों के परिवार को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगा रेलवे। उन्नाव में डला बड़ा रेल हादसा, रेल लाइन टूटी मिली, लेकिन गैंगमैन की सतर्कता से आनन फानन में रोकी गई ट्रेन। गुजरात के कच्छ जिले के छसरा गांव में 2 गुटों में झड़प में 6 लोगों की मौत। कच्छ में 2 गुटों की झड़प में 6 लोगों की मौत के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को छसरा गांव में तैनात कर दिया गया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर एतराज जताया है। उज्जैन के बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने फेसबुक पर लिखा कि दिवाली को लक्ष्मी पूजन करके 10 बजे के बाद ही फोड़ूंगा पटाखे। कल सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर आज झालावाड़ पहुंचे राहुल गांधी। झालावाड़ में राहुल गांधी की सभा में कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते बढ़ाया उत्साह। राजस्थान के भरतपुर में चुनाव आयोग ने रश के कमर गाने से शुरू किया मतदाता जागरूकता अभियान। पीएम मोदी को आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए मिला सियोल शांति पुरस्कार।
महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गणपति की पूजा की, राम मंदिर निर्माण का संकल्प भी दोहराया। 25 नवंबर को उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले संजय राउत ने अयोध्या में संतों से मुलाकात की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पार्टी लाइन से अलग सुर, हरियाणा के भिवानी में बोले, उन्होंने सांसदों व विधायकों की तनख्वाह को लेकर आवाज उठाई तो पीएम ने जताई थी फोन पर नाराजगी। शिवसेना का कहना है कि पार्टी के दबाव के चलते ही सरकार ने 180 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ 180 तहसीलों को नहीं बल्कि पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में बुलेट ट्रेन के सर्वे का काम किसानों ने रोका। मुंबई के पास छाणे के डंपिंग ग्राउंड में लगी है आग, लगातार कूड़े के जलने से खराब हुई आबोहवा। एमसीडी के दावों के बावजूद दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग अब तक नहीं बुझी है। पराली जलाने पर रोक के खिलाफ बागी हुए हरियाणा के सिरसा के किसान, 25 गांव की पंचायत ने मिलकर पराली जलाने का फैसला किया। गाड़ियों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 मार्च 2020 के बाद BS4 वाली गाड़ियों की बिक्री नहीं। मुंबई में ओला टैक्सी ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के किरछा में रॉन्ग साइड से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार, महिला की मौत। झारखंड के रामगढ़ में शख्स को पेड़ से बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। यूपी के मेरठ में दारोगा पिटाई मामले में नया वीडियो सामने आया, रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं महिला और दारोगा। दारोगा की महिला मित्र ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया पीछा करने का आरोप। यूपी के मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने प्रोफेसर को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद गंभीर हालत में प्रोफेसर को छोड़कर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी, पुलिस ने आरोपी की मां और बुआ समेत 3 पर केस दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रिपल तलाक मामले में पति गिरफ्तार, वीडियो कॉल पर दिया था 3 तलाक। यूपी की पीलीभीत में छेड़खानी से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी, पुलिस ने आरोपी की मां और बुआ समेत 3 पर केस दर्ज किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भीड़ का तांडव, थाने में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट। भीड़ ने हत्या के आरोपियों को पीटने की कोशिश की, 2 दिन पहले हुआ था मर्डर। दिल्ली में लूट के कई मामलों में आरोपी इनामी बदमाश यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में घायल। सबरीमला मंदिर में घुसने की कोशिश करने वाली कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर विवाद के बाद BSNL ने ट्रांसफर किया। कच्चे तेल के दाम में प्रति बैरल करीब $125 की गिरावट, देश में डीजल पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद जगी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। मुंबई के कोजागरी पूर्णिमा पर मनोरी आश्रम में दीप उत्सव, 1,75,000 दीप जलाए गए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।